दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगू बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं, तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया, तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा, फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है, तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।